नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है देव सागर। आज हम जानेंगे अनुष्का शेट्टी बायोग्राफी बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अनुष्का शेट्टी एक भारतीय अभिनेत्री है। वो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती है। अनुष्का का असली नाम स्वीटी शेट्टी है। वो साउथ सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय फिल्में बाहुबली तो, द कंक्लूजन, बाहुबली द बिगिनिंग, मिर्ची, सिंघम, अरुंधति, लक्ष्म, भागमती, सी तीन है। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपको ये से ही और वीडियो लाते रहेंगे। अनुष्का शेट्टी का जन्म 7 नवंबर 1981 को मैंगलोर, कर्नाटक में हुआ था। अनुष्का ने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलोर के ईस्टवुड हाई स्कूल से पूरी की थी। उन्होंने में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर के माउंट कामेल कॉलेज में भी पढ़ाई की था। फिल्मों में आने से पहले अनुष्का एक योगा इंस्ट्रक्टर थी। 2005 में अनुष्का ने सुपर नाम की फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने साशा का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ थे। इस फिल्म में अनुष्का के साथ आयशा टाकिया और अक्किनेनी नागार्जुन भी थे। 2006 में उन्होंने अस्त्रम, विक्रमर कुडु और रेंदु नाम की 3 फिल्में की थी। 2008 में उन्होंने ओका मड्डू, स्वागतम, बालादू, सूर्यम और चिंतक्याला रवि नाम की 5 फिल्में की थी। 2010 में उन्होंने वेदम, पंचाक्षरी, खलेजा, नागवल्ली और रगड़ा नाम की 5 तेलुगु फिल्में और सिंघम नाम की 1 तमिल फिल्म की थी। 2014 में उन्होंने लिंगा नाम की तमिल फिल्म की थी। उन्होंने इस फिल्म में लक्ष्मी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार थे। इस फिल्म में अनुष्का के साथ रजनीकांत, सोनाक्षी सिन्हा भी थे। 2015 में उन्होंने येन्नई अरिंधल, बाहुबली द बिगिनिंग, रुद्रमा देवी, साइज जीरो नाम की 4 फिल्में की थी। 2017 में उन्होंने सी तीन, ओम नमो वेंकटेशा और बाहुबली दो, द कंक्लूजन नाम की 3 फिल्में की थी। 2020 में उन्होंने निशब्दम नाम की 1 फिल्म की थी। इस फिल्म में उन्होंने साक्षी का किरदार निभाया। अगर आप अनुष्का शेट्टी के फैन हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 2009 में उन्होंने वेट्टाकरण नाम की फिल्म के लिए फेवरेट हीरोइन का विजय अवार्ड जीता था। 2009 में उन्होंने अरुंधति नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड साउथ जीता था। 2009 में उन्होंने अरुंधति नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का सिनेमा अवार्ड जीता था। 2009 में उन्होंने अरुंधति नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का उगादी अवार्ड तेलुगु जीता था। 2010 में उन्होंने वेदम नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड साउथ जीता था। 2010 में उन्होंने वेदम नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का उगादी अवार्ड तेलुगु जीता था। 2009 में उन्होंने वेदम नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस जूरी का सिनेमा अवार्ड जीता था। 2009 में उन्होंने अरुंधति नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का संतोषम फिल्म अवार्ड जीता था। 2010 में उन्होंने वेदम नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का संतोषम फिल्म अवार्ड जीता था। 2011 में उन्होंने देवा थिरुमल नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का विजय अवार्ड जीता था। 2011 में उन्होंने यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया सिनेमा के लिए एक साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जीता था। 2011 में उन्होंने द
देवा थिरुमल नाम की फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का तमिल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें और लोगों को भी इसकी जानकारी दे और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।